हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी नमकीन। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसे शाम को चाय के साथ या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। चावल के इस टेस्टी नमकीन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी चावल का आटा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, गाजर ली है आधी, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधी शिमला मिर्च, आधा प्याज, इन्हें बारीक टुकड़ों में काट लिया है, ये पत्ता गोभी ली है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक, इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में चावल का आटा डाल लेते हैं, साथ में ही गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी डाल लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच नमक, ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च इन्हें पीस लिया है, इसे भी डाल लेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने डो तैयार कर लिया है। अब हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। तेल गरम हो चुका है। एक प्लास्टिक शीट के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उसके ऊपर हम लोया रखेंगे और दूसरी वाली प्लास्टिक शीट जिस पर भी हमने तेल लगा कर रखा है ढक देंगे और इसे एक प्लेट से हम दबा लेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर वाली प्लास्टिक शीट हटा देंगे। अब हम इसे प्लास्टिक शीट से इस तरह निकालेंगे और तेल में डाल देंगे और हम इसे हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। 25 से 30 सेकंड के बाद हम इसे पलट लेंगे। हम इसे हल्का गुलाबी होने तक दोनों तरफ से तल लेंगे। ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। सभी इसी तरीके से बनाएंगे। 30 सेकंड के बाद इसे पलट लेते हैं। ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, तैयार है चावल के आटे से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।